हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग। आई होप गाइस आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए ऑनबोर्डिंग अपडेट न्यूज़ लेकर आया हूँ सभी कंपनियों की, जो मैंने सोचा कि जो वीडियो बनाया जाए, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट थे जो कि वेट कर रहे थे कि ऑनबोर्डिंग उनकी कब हुई। कुछ कंपनियों ने ऑनबोर्डिंग स्टार्ट कर दी, कुछ कंपनियों ने असेसमेंट लेना, कुछ कंपनियाँ हैं जो कि BJV के लिए उसका बैकग्राउंड वेरीफिकेशन चल रहा है। तो काफ़ी सारी कंपनियों ने कुछ अपडेटेड आया है, विप्रो की तरफ से भी कुछ अपडेट आया था, मैंने प्रीवियस वीडियो में डाला था, और भी इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग। तो मैं गाइस इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ विप्रो, एमसीएस, एल्टीमेंट्री, TCS, जैनसर, कैपजेमिनी, सभी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। विप्रो की प्री ऑनबोर्डिंग अपडेट हुआ है, TCS का वेरिफिकेशन, BJV निंजा होने, जैनसर का स्टार्टेड टर्मिनेशन आफ्टर द ज्वाइनिंग, एल्टीमेंट्री ऑनबोर्डिंग, और जो कि कैपजेमिनी 26 सितंबर की ज्वाइनिंग थी, एमसीएस में टर्मिनेशन आफ्टर द ट्रेनिंग ऑल्सो, कॉग्निजेंट द असेसमेंट मिल, CSD अपडेट। तो गाइस ये इन्फॉर्मेशन थी विप्रो की। सबसे पहले गाइस आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि विप्रो ने 10 सितंबर के पहले गाइस आप लोगों को जो कि चीज़ मतलब जो सर्वे मेल फिल करना है, वहाँ सर्वे मेल में वहाँ पर ऑफर लेटर का जो भी आप लोगों का ऑफर लेटर है वहाँ पर आप लोगों का नंबर होगा, सीरियल नंबर वहाँ पर मैंशन करना होगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो कि कंफ्यूज थे कि सुपर सैड ID या फिर जो भी चीज़ उनकी मेंशन हो जो वहाँ पे हो, तो गाइस वो भी मेंशन करनी है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है गाइस कि वहाँ पर जो कि सुपर सैड ID मेंशन करेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को जो आपने स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन किया होगा वही मेंशन होगी, और 10 तारीख के पहले आप लोगों को प्री ऑनबोर्डिंग मिल जाएगी। तो विप्रो के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं TCS की। अब TCS में है ये अपलोड द इनिशिएट BGC हैज़ बीन रिजेक्टेड ड्यूरिंग द वेरीफिकेशन। ये रिजेक्शन क्यों हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, जो कि ILP थी, जो कि गाइस के पास जो मतलब कैंडिडेट थे उनका टर्मिनेट मतलब ऑफर लेटर मिल गया था, जनरेटेड भी हो चुका था, उसके बाद में वेरीफिकेशन के लिए कुछ मेल आए थे तो वहाँ पर उन्होंने अपडेट किया ये। तो री अपलोड के लिए काफ़ी सारे कैंडिडेटों के मतलब जो बहुत से कैंडिडेट थे मेरे से पूछ रहे थे कि सर मेरा कैंसिल हो गया कैसे अपलोड करूँ, तो री अपलोड के लिए उन्होंने देखिए क्या, टू यू आर हेयर बाय टू इन्फॉर्म यू टू री अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इमीडियटली कम्प्लीट योर ज्वाइनिंग, ओके फॉर्मेलिटीज, होल्डिंग डॉक्यूमेंट फॉर फर्दर वेरीफिकेशन, 1 month एक्सटेंडेड एजुकेशन, प्लीज डू नॉट री अपलोड डॉक्यूमेंट अंटिल द कन्फर्मेशन केस, कंसिडर द एक्सेप्शन अप्रूवल। तो गाइस अगर आप लोग का 1 महीने से ऊपर हो चुका है, अगर आपके डॉक्यूमेंट कैंसिल हो चुके हैं तो आप लोग री अपलोड मत करिए, क्योंकि कंपनी की तरफ से ही कन्फर्मेशन आएगा कि आप लोग री अपलोड करना है कि नहीं करना है। तो ये गलती मत करिएगा, जो कि प्रोविजनल मार्कशीट है, जो कि हमारी मार्कशीट है, लास्ट मार्कशीट जो हमारी आई हुई है, उसको आप लोग को अपलोड करना है, तो बहुत ही ध्यान से अपलोड करना। अगर आप लोग का कैंसिल हो जाता है या फिर इवनली आप लोगों की जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आधार कार्ड या कुछ भी चीज़ का जो कैंसिल हो जाता है, तो री अपलोड के लिए उनके पास दोबारा आएगा, 1 हफ्ते के अंदर नहीं आता है, मतलब काफ़ी थोड़ा टाइम लग जाता है। बहुत सारे कैंडिडेट हो गए 1 महीने से ऊपर भी हो चुका है, उनका री अपलोड का ऑप्शन अभी तक नहीं आया, क्योंकि उनके कुछ डॉक्यूमेंट थे रिजेक्शन हो चुके थे। अब बात करते हैं गाइस जैनसर की तरफ से। जैनसर में अपडेट ये है गाइस कि जैनसर की कंपनी में बहुत ही ज़्यादा मास फायरिंग चल रही है, मतलब कंपनी टर्मिनेशन मिल रहा है बहुत सारे कैंडिडेटों की। इवनली बहुत कैंडिडेट थे जिन्होंने मतलब अभी रिसीव किया हुआ है, अपडेट नहीं आया हुआ है। वॉस आउट ईयर ऑफ द IT, इन्फोसिस, विप्रो, TCS, अदर हायर 40% लेस इन FY23। तो देखिए फ्रेशर के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ऑनबोर्डिंग के रिगार्डिंग, कि फ्रेशर की जो 24 के कैंडिडेट हैं उनकी जो कि ऑनबोर्डिंग होगी, ऑनबोर्डिंग क्या जो उनकी ज्वाइनिंग भी होगी, जो कंपनियां भी आएंगी, तो 40% लेस हायरिंग करेंगी घंटे, मतलब गाइस बहुत ही कम हायर करने वाली हैं कंपनियां। तो प्रिपेयर कर लीजिए आप लोग के ऑफ कैंपस के लिए, अप्लाई कर लीजिए, स्किल अच्छी कर लीजिए, क्योंकि कंपनियां बहुत ही कम कैंपस में विजिट भी बहुत ही कम करेंगी रेयर केस में। तो ये है। अब बात करते हैं हमारी MPCS की तरफ से। MPCS में बहुत सारे कैंडिडेट थे जिन्होंने ट्रेनिंग हो चुकी थी जिनके पास अप्रैल में, और हमारा जो कि मई सेशन में भी जो 3-4 ज्वाइनिंग आई थी उसके बाद में उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी। तो कैंडिडेट में क्या हुआ कि टर्मिनेशन लेटर इन MPCS ड्यू टू फेल्ड इन ट्रेनिंग एग्जाम में उन्होंने फेल्ड हो गए। वो क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो अचीव नहीं कर पाए 60% जो भी था, 70% था, जो भी चीज़ उनकी माइलस्टोन थे वहाँ पर वो अचीव नहीं कर पाए, तो वो फेल हो गए। तो मैंने एक पोल जनरेटेड किया था, तो मैंने पूछा सभी कैंडिडेटों से, तो 70 कैंडिडेट में जिसमें 72% है जो कि स्टिल कर रहे हैं, मतलब वेटिंग कर रहे हैं ट्रेनिंग की, मतलब जो कि उनके पास मतलब कैंडिडेट टर्मिनेशन मिला है, मतलब इसमें पता चलता है गाइस कि हाँ बहुत सारे कैंडिडेट थे जिन्होंने ऑनलाइन ट्रेनिंग दी थी, ट्रेनिंग की थी, उसमें टर्मिनेशन उनको मिला है। तो इससे गाइस आप लोगों को अपनी जो भी आप लोगों को अभी तक नहीं ट्रेनिंग हुई है, ट्रेनिंग होने वाली है, तो उसमें गाइस आप लोग अच्छा परफॉर्म करें जिससे आप लोग को टर्मिनेशन ना मिले। तो गाइस क्योंकि टर्मिनेशन हो रहा है कंपनी में MPCS में, जिसमें जितने भी कैंडिडेट थे ज्वाइनिंग थी अप्रैल की थी, मई की थी, जून की थी। अब बात करें इंटर्नशिप की, CSD प्रोग्राम की, जो कि इंटर्नशिप हुई थी, असेसमेंट हुआ था इंटरव्यू प्रोसेस का, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज असेसमेंट हुआ था CSD का, कॉग्निजेंट का, वहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेटों के देखा जाए तो बहुत कैंडिडेट थे उनको असेसमेंट में फेल हो गए हैं, इंग्लिश के असेसमेंट में भी गाइस फेल हो रहे हैं, कंपनियां उनको मतलब रिजेक्ट कर रही हैं क्योंकि उनके
प्लेस असेसमेंट में उन्होंने अप टू द मार्क नहीं दिया है, जो कि हमारा 1 सितंबर को हुआ था, जो 12:30 से 1:30 के बीच में। तो गाइस उनके पास भी असेसमेंट का लिंक आया होगा, तो आप लोगों ने लिंक दिया होगा। ये हमारा कॉग्निजन CSD का अपडेट था। अब बात करते हैं TCS का, जो कि NSR का रजिस्ट्रेशन गाइस आप लोगों को कंपलसरी है करना है। NSR का रजिस्ट्रेशन आप लोगों को नेशनल स्किल रजिस्ट्रेशन, जो कि अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज्वाइनिंग के पहले बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि पुणे लोकेशन के यहाँ चेन्नई और हमारी हैदराबाद में नास्कॉम, जो कि मतलब NSR रजिस्ट्रेशन के जो छोटे छोटे आपको मतलब बनाए गए ऑफिस हैं, वहाँ पर जाके भी आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये ज्वाइनिंग के पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें रजिस्ट्रेशन कराना। मैंने एक वीडियो डाला है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक भी डाल दूंगा, आई बटन पर भी आप लोग को लिंक दे दूंगा, जिससे आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं कैसे आपको रजिस्ट्रेशन क्या पैकेज है क्या नहीं है। तो आप लोग विजिट कर सकते हैं मेरी वेब चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो गाइस अब बात करते हैं कैप जेमिनी की, जो कि हमारी कैप जेमिनी की ऑनबोर्डिंग अपडेट आई थी 26 सितंबर, जो कि लोकेशन भी आप लोगों को मेंशन थी हैदराबाद की थी। तो गाइस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बात यह है कि गाइस बहुत सारे कैंडिडेटों के पास में 26 सितंबर का अपडेटेड नहीं आया था। तो गाइस सुनने में आ रहा है कि 14 सितंबर तक, जो कि नेक्स्ट ऑनबोर्डिंग की, जो कि कैप जेमिनी की नेक्स्ट ऑनबोर्डिंग अपडेटेड है, जो कि अक्टूबर में होने वाली है मोस्ट प्रोबेबली, सुनने में आ रहा है मतलब बताया हुआ है, तो उसकी 15 सितंबर तक कुछ ना कुछ मतलब इसी टाइप का मेल गाइस आप लोगों के पास आ सकता है, जो कि नेक्स्ट ज्वाइनिंग होगी। लोकेशन वाइज लोकेशन का भी कंफर्मेशन नहीं मिला, ये हैदराबाद की लोकेशन के लिए था। तो 26 सितंबर को ये होने वाली है गाइस हमारी। तो आई होप गाइस वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच गई होगी। जो भी चीज़ अगर छूट गई होगी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं कमेंट के थ्रू एक वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें आप लोगों की क्वेरी को पूरी सॉल्व करूंगा, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट के सेक्शन में मैं कमेंट नहीं कर पाता हूं, उनके आंसर नहीं दे पाता हूं, तो सॉरी गाइस उसके लिए। जैसे ही होगा कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं गाइस आप लोगों को छोटी छोटी बताऊँगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।